भारत के लोग कितने शांत बैठ के एक रिवोल्ट खड़ा कर देते हैं वो समझ में भी नहीं आता है। जब इंदिरा गांधी के टाइम वो खड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, लोग बहुत दिल में रख के काम करते हैं, बताते भी नहीं मुंह पे क्या है। तो इसलिए मैं उनको कहता हूं कि बहुत दिमागी पागल लोग हैं, ये क्या करेंगे कब करेंगे पता नहीं चलता है। जो देश इंदिरा गांधी को हरा सकता है वो देश किसी को भी हरा सकता है। सर, केरला स्टोरी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में बात करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस जो अंदरूनी एक षड्यंत्र चल रही है समाज। मेरा सवाल इतना ही है, मेरा सवाल इतना ही है, केरला की जो स्टोरी है वो पिछले 8 सालों की स्टोरी है, बराबर है। 8 साल से केंद्र में सरकार की किसकी थी? केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। तो सवाल जिससे पूछना चाहिए उससे पूछिए, जिनका कुछ संबंध ही नहीं है उन लोगों से सवाल पूछ के आप क्या जानना चाहते हो? ये तो सवाल का जवाब पूरे देश को प्रधानमंत्री ने दिया देना चाहिए कि असलियत क्या है। आप ये बातें इधर उधर करके क्या फायदा है? कितनी लड़कियां गई, कहां गई, ये विदाउट द नॉलेज ऑफ रॉ, आईबी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज, पासपोर्ट सब आता है कि नहीं आता है? तो ये कैसी गई, क्या फ्लाइट आई क्या? ठीक है, मैंने जैसे कहा कि तुम लोगों को गुमराह कर सकते हो, लेकिन सवाल आज नहीं तो कल पूछे जाएंगे कि 30,000 लड़कियां जब जाती है तो केंद्र को मालूम भी नहीं पड़ता है और अचानक पिक्चर के द्वारा आके आपको पता चलता है, तो ये राज्य ये देश का पिक्चर में चलेगा अभी? हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।